हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका फिफ्थ चैप्टर करने वाले हैं और जिसका टाइटल है द हैंड ड्रेसेस। और ये पार्ट वन करेंगे आज अपन। इसके राइटर हैं ईएल बोसर, बिसोर इस्टर, ठीक है, ये इसके राइटर हैं। और द हैंड ड्रेसेस जो है ये एक ऐसी लड़की कहानी है जिसका नाम वांडा पैटर्न्स की है। वांडा पैटर्न्स की जो है एक पोलिश गर्ल है। पोलिश गर्ल का मतलब होता है जो पोलैंड से आए थे लोग, ठीक है, जो अमेरिका में सेटल हो गए थे बाद में, तो ये पोलिश गर्ल है वांडा पैटर्न्स की। और जब ये उस समय जब माइग्रेट कर रहे थे तो उस समय जो है जो लोग थे, ये जो पोलिश जो लोग थे, ये जिस कंट्री से आए थे उसी हिसाब से इनको एड्रेस किया जाता था, जैसे रशियन पोल्स, ठीक है, अमेरिकन पोल्स, ऑस्ट्रेलियन पोल्स, इस तरीके से इनको जो है एड्रेस किया जाता, इनको जाना जाता था, ठीक है। तो वांडा पैटर्न्स की जब अमेरिकन्स जो बच्चे थे उनके साथ में पढ़ती थी तो उनके साथ वो कैसा ट्रीट करते थे वो बच्चे, किस तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग थी उनके साथ में, तो यही हम जानेंगे इस कहानी के अंदर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द हैंड ड्रेसेस। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस, बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस, और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन। यहाँ पर राइटर ने एक बात पूछी है कि हमारे आसपास में जो लोग हैं उनको हम कैसे जज करते हैं, उनके मनी से यानी कि धन से, उनकी दौलत से, या उनके पास जो संपत्ति है, जो मटेरियल थिंग्स हैं उनसे, अथवा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एवरलास्टिंग है और जो वैल्यूबल है एक व्यक्ति के अंदर, हम उसके अंदर देखते हैं, यानी कि जो पर्सनल ट्रेट्स हैं उसके आधार पर जज करते हैं। दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। और ये कहानी जो है एक सेंसिटिव अकाउंट, बहुत ही हार्ट टचिंग अकाउंट प्रेजेंट करती है कहानी, उसको एक्सप्लेन करती, हाईलाइट करती है, जो कि एक बहुत ही गरीब लड़की है, छोटी लड़की है, और उसको जिस तरीके से उसे क्लासमेट्स के द्वारा जज किया जाता है उसका सेंसिटिव अकाउंट जो है रिप्रेजेंट करती है। वांडा पैटर्न्स्की इज अ यंग पोलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। अमेरिकन टाउन के अंदर एक जो अमेरिकन बच्चों के साथ में वांडा पैटर्न्स्की, जो कि एक पोलिश गर्ल है, वो उनके साथ में जाती है। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। और ये जो बच्चे हैं ये वांडा को अलग अलग डिफरेंट देखते हैं, कई तरीके से डिफरेंट मानते हैं। कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर, क्या आप गैस कर सकते हैं कि उसे कैसे ट्रीट करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608 के अंदर जो फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स थे, इमिग्रेंट्स का मतलब वन हु लीव्स देयर नेटिव कंट्री टू सेटल समवेयर एल्स। तो जो पोलिश इमिग्रेंट्स थे वो अमेरिका के अंदर जो थे वो 1608 में आए पहली बार। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर जो पहला सबसे ज़्यादा जो पोलिश लोगों का जो इमिग्रेंट इमिग्रेशन हुआ वो हुआ था 20th सेंचुरी के अर्ली में। वैन मोर देन 1 मिलियन पोल्स, जब 1 मिलियन से ज़्यादा लोग वहाँ पर माइग्रेट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री और ओरिजिन रेदर देन टू एथनिसिटी। और उस समय पोलिश स्टेट कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था अलग से, तो जो इमिग्रेंट्स थे उनको उनके जहाँ जिस देश से वो आए हैं उसके आधार पर उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, रेदर देन एथनिसिटी, एथनिसिटी के अलावा, ठीक है, इस तरीके से उनको रिगार्ड। तो एथनिसिटी का मतलब पर्टिकुलर रेस ऑफ पीपल है, एक विशेष लोगों का जो समूह होता है उसे बोलते हैं। तो विशेष लोगों के ग्रुप की बजाय उनको जिस देश से आए थे उसी के आधार पर उनको जाना जाता था। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स। तो इस तरीके से उनको जाना जाता था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स।
सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सो द कैपिटल ऑफ पोलैंड। और जो सबसे ज़्यादा नोटेबल जो फेमस पॉपुलर जो पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ हैं वो शिकागो में हैं और इसके आसपास में जो सबर्ब हैं जो एरियाज हैं सबर्ब वहाँ पर हैं और शिकागो को इसलिए कभी कभी सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी भी वर्ल्ड में माना जाता है शिकागो को जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलिश लोग रहते हैं। नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सो जिसके बाद में वॉर्सो का नंबर आता है द कैपिटल ऑफ पोलैंड जो कि पोलैंड की कैपिटल है। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश इटालियंस एंड ज्यूज। और पोलिश अमेरिकन जो थे कभी कभी इनके साथ में डिस्क्रिमिनेट भेदभाव भी किया जाता था यूनाइटेड स्टेट्स के जो वहाँ के जो बाशिंदे थे जो ओरिजिनल वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे उनके द्वारा क्योंकि वो आयरिश इटालियन और ज्यूज थे। इसलिए अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 66,07,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 इयर्स एंड ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश और 0.25% ऑफ द US पॉपुलेशन। और 2000 में जो सेंसस हुई थी यानी कि जो पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी उसके हिसाब से जो है ये लोग इतने लोग जो हैं ये अमेरिका में रहते हैं जो कि वहाँ की 0.5% जो US पॉपुलेशन है उसका एक हिस्सा है और जो अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर बोलते हैं यानी कि पोलिश लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। टडे मंडे वंडर पेटोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट बट नोबडी नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। तो राइटर कहते हैं कि आज मंडे का दिन था वंडर पेटोंस्की अपनी सीट पे नहीं थी और किसी ने भी और यहाँ की उसकी जो क्लासमेट थी पैगी एंड मैडलिन उन्होंने भी आज वंडर पेटोंस्की की एब्सेंस को नोटिस नहीं किया जो कि अक्सर नोटिस करते थे उसके साथ मजाक किया करते थे उन्होंने भी आज नोटिस नहीं किया। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13 और रूम नंबर 13 की जो लास्ट रो थी उसके अंदर लास्ट सीट जो थी वहाँ पर जो है वांडा पैटर्न्स के आमतौर पर बैठा करती थी। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said and most mud and dirt on the floor. और actually होता क्या था कि वहाँ पर जो room number 13 में corner में बैठा करती थी ये wonder patrons की तो ये वहाँ पर rough boys के साथ बैठती थी जिनके number अच्छे नहीं आते थे और वहाँ पर पैरों की बहुत ज़्यादा जो है आवाज़ आती थी पैरों के मूवमेंट्स की या नोइसी वहाँ पर मूवमेंट होती रहती थी और वहाँ पर सब ज़्यादा हंसी ठट्टे लगे ठहाके लगते थे जो कुछ भी फ़नी चीज़ कही जाती व्हेन द जोक्स वर क्रैक्ड और एनीथिंग फनी थिंग वॉज शेयर्ड ओवर देयर देन ओनली दोज बॉयज सिटिंग इन द लास्ट रो इन द कॉर्नर were supposed to laugh a lot और वहाँ पर बहुत सारी धूल मिट्टी भी उस कोने में मिलती थी। Wanda did not sit there because she was rough and noisy तो Wanda पेटोंस किस लिए वहाँ नहीं बैठती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रफ थी या noisy थी शोर शराबा ज़्यादा करती थी। On the contrary she was very quiet and rarely said anything at all इसके अलावा विपरीत On the contrary का मतलब इसके विपरीत इसके बिल्कुल विपरीत वो जो थी वो बिल्कुल सीधी सादी लड़की थी ठीक है और बहुत ही खामोश रहने वाली शांत स्वभाव की लड़की थी और कभी कुछ नहीं कहती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड किसी ने उसको कभी भी चिल्लाते हुए नहीं सुना जोर से हंसते हुए नहीं सुना। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल कभी कभी वो स्माइल के अंदर अपने चेहरे को थोड़ा सा बना लेती थी बस यही जो था वो थोड़ा बहुत करती थी। नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सैट इन दैट सीट एग्जैक्टली कोई नहीं जानता था कि वांडा वहाँ पर उस सीट पर क्यों बैठती थी
unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. और क्योंकि unless it was क्योंकि वो Boggins Heights नामक जो स्थान था वहाँ से आया करती थी और आमतौर पर उसके जो पैर थे उसमें जो है वो जो एरिया था वहाँ पर कीचड़ वगैरह थी रास्ते में, तो उसके जो पैर थे वो ड्राई मड से ज़्यादातर केक होते थे, यानी कि स्मियर्ड होते थे, मिट्टी लगी होती थी पैरों के। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पैटर्न्स की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, बट नोबडी पेड अटेंशन टू हर वंस शी वाज सीटेड इन हर सीट। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, और जब जिस समय उसके बारे में सोचा करते थे उसके जो फ्रेंड्स थे वो सिर्फ जब वो स्कूल से बाहर होती थी तभी उसके बारे में लोग सोचा करते थे स्कूल आवर्स के अलावा। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, व्हेन ग्रुप्स ऑफ टू और थ्री और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड एंड हर क्लासमेट्स वुड थिंक अबाउट हर व्हेन दे वर कमिंग टू स्कूल और व्हेन दे वर गोइंग आउट ऑफ स्कूल। ओके, सो एट द टाइम और नून टाइम व्हेन द लंच वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम दे वुड थिंक अबाउट हर इन ऑर्डर टू मेक फन ऑफ हर, देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, क्योंकि जो उसके जो क्लासमेट्स थे वो उसका मजाक उड़ाते थे वांडा का, इसीलिए वो उसके बारे में कभी कभी उसका वेट किया करते थे। द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वांडा वॉज नॉट इन द स्कूल ईदर एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, अगले दिन भी जो मंगलवार था वांडा अपने स्कूल में नहीं दिखाई दी और किसी ने भी उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वांडा वॉज नॉट इन द स्कूल ईदर बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वांडा वॉज इन देयर, लेकिन वेंसडे को पैगी और मैडी जो कि वहाँ पर हु सैट डाउन फ्रंट जो कि फ्रंट सीट के नीचे थोड़ी सी बैठा करती थी और दूसरे बच्चों के साथ में जिनके अच्छे नंबर आते थे उन्होंने देखा हु डिड नॉट जो कि अच्छे रास्ते से आती थी वो लड़कियाँ जो मैडी और पैगी थी वो जो जहाँ से आती थी वहाँ पर ज़्यादा मड वगैरह नहीं थी, कीचड़ नहीं थी, ठीक है बिल्कुल भी नहीं थी, तो इसलिए बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से वो वहाँ पर आती थी। बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वांडा वाज़न्ट देयर। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर डिड नोटिस दैट वांडा वाज़न्ट देयर, तो उस समय जो मैडी पैडी मैड पैगी एंड मैडी जो उसकी क्लासमेट्स थी वो वेंसडे को नोटिस किया वांडा की प्रेजेंस को और वो लड़कियां जो थी पैगी एंड मैडी वे साफ सुथरे रास्ते से स्कूल में आती थी और उन्होंने पैगी जो थी वो स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी, शी वॉज प्रीटी बहुत सुंदर थी, शी हैड मैनी प्रीटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज करली, उसके बाद बहुत सारी सुंदर ड्रेसेस थी और उसके हेयर बहुत ही करली थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड और मैडी उसकी जो थी सबसे फास्ट फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल, और जिसके कारण पैगी और मैडी ने वांडा की एब्सेंस को नोटिस किया वो था कि उनकी वजह से यानी कि वांडा पैटर्न्स की वजह से मैडी एंड पैगी स्कूल के लिए लेट हो गई थी क्योंकि वो उसका वेट किया करती थी इस वजह से। दे हैड वेटेड फॉर वांडा, उन्होंने वांडा के लिए वेट किया टू हैव सम फन विद हर ताकि उसके साथ कोई मजाक कर सकें एंड शी जस्ट हैड नॉट कम और वो आई नहीं। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पैटर्न्स की टू हैव फन विद हर, वो वांडा पैटर्न्स की का वेट अक्सर किया करती थी उसके साथ कुछ मजाक करने के लिए, इसलिए उसका वेट करती थी, अदरवाइज उससे कोई लगाव नहीं था
ऐसा नहीं था कि उसको बहुत ज़्यादा चाहती थी, सिर्फ इसी वजह से ताकि उसके साथ वो हंसी ठट्ठा कर सकें, इसलिए वो उसका वेट किया करती थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।